जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना, नहीं करूंगा सर। 25 लाख दिए है ठीक है, तो हमसे भी ले लेना ना। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए करण जौहर एक्सपोज हो रहा है और ये एक्सपोज का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपोज लिस्ट में क्या क्या आ रहा है मैं आपको क्या बताऊं। अभी ये भी एक्सपोज हो रहा है कि करण जौहर अपने मुकाबले अगर किसी का फिल्म आ रहा है एक ही डेट में या फिर उससे पहले या फिर अगले वीक में, तो उस फिल्म को भी नहीं बख्शते हैं। लोगों को पैसा खिला के, पैसा ठुसा के लोगों से अपने फिल्म का प्रमोशन के साथ साथ अगस्त में, मतलब साथ में जो फिल्म रिलीज हो रहा है उस फिल्म का बुराइयां करवाता है। जी हाँ, आज मैं वही किस्सा सुनाने वाला हूँ आपको। मैं कॉल रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ, क्या हुआ है सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ा रहना होगा रहस्य लाइव में ताकि आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, करण जौहर के एक मूवी आने वाली थी 2016 में, ए दिल है मुश्किल, और उसी डेट में यानी 28 अक्टूबर 2016 में ही और एक फिल्म रिलीज होने वाला था, शिवाय। जी हाँ, एक में अजय देवगन और उनके बैनर और साथ में ऑपोजिट में करण जौहर। तो यहाँ पर एक बात एक्सपोज हुआ था, एक बात सामने आया था कि करण जौहर लोगों को पैसा कैसे खिलाते हैं। अपने फिल्म का प्रमोशन तो करवाते ही है, साथ में दूसरे फिल्म का यानी उनके साथ आने वाला जो फिल्म है उस फिल्म को नीचा कैसे कराया जाए। जी आप, बात है 2016 साल के ही KRK यानी कमाल आर खान, उनके साथ बात करते हैं शिवाय फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत। मैं थोड़ा सा किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ क्या हुआ था उस दिन। असल में कमाल आर खान के साथ कुमार मंगत की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक किया गया था और ये लीक हुआ था अजय देवगन की ओर से। अजय देवगन ने ये कॉल रिकॉर्डिंग है ये खुद लीक करवाए थे। तो वहाँ पर उनका कहना क्या था, असल में KRK ने एक ट्वीट किया था उसी फिल्म रिलीज डेट के आसपास में ही, और वहाँ पर लिखा था कि शिवाय जो फिल्म है ये हिम्मत वाला 2 है। जी हाँ, अजय देवगन की और एक फिल्म आया था हिम्मत वाला, जो फिल्म सुपर फ्लॉप रहा और वो फिल्म इतना क्रिटिसिज्म का सामना करना हुआ, इतनी नेगेटिविटी का सामना करना हुआ कि आपको क्या बताए। तो इसी फिल्म के साथ किसी दूसरे फिल्म को अगर तोला जाए तो वो फिल्म कितना वाहियात हो सकता है, ये हमें और आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और अगर बॉलीवुड के कोई सेलिब्रिटी या फिर सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो कि कमाल आर खान है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट किया जाए कि ये हिम्मत वाला 2 है या फिर शिवाय एक घटिया फिल्म है, तो लोगों में बहुत नेगेटिविटी फैल जाएगा। और इसी को ही हथियार बनाकर करण जौहर ने 25 लाख रुपए खिलाया था KRK को। जी हाँ, और ये बात जब वो ट्वीट आया था, ट्वीट डालने के 2 दिन बाद ही कुमार मंगत जो कि शिवाय के प्रोड्यूसर है, उन्होंने डायरेक्ट फोन किया था कमाल आर खान को और फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करवाया हुआ था उनका, ताकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया पर डाला जाए अगर कोई नेगेटिविटी हो तो। तो वहां पर कमाल आर खान ने एक्सेप्ट किया कि करण जौहर ने 25 लाख रुपए दिए थे कमाल आर खान को ऐ दिल है मुश्किल को प्रमोट करने के लिए। हालांकि बाद में उनका कुछ क्लेरिफिकेशन भी आया था लेकिन वो संतुष्टजनक नहीं था। तो मैं दोस्तों आपको सुनाता हूँ वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरा डिटेल, सुनिए। हाँ सरकार, सरकार जी कैसे हो? फर्स्ट क्लास। कहाँ, कहीं बाहर गए थे? हाँ मैं बाहर गया था। हाँ, आज ही आए? निकल आया। अच्छा। हाँ हाँ, बीच में न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, दो फिल्मों की ना, क्या क्या नाम था एक वो, हाँ लंडन और हाफिज। हाफिज कौन थी? वो है वो अबू धाबी वाली। हाँ, वही उसी के लिए गया था। करेक्ट ना? हाँ उसी के लिए गया था। अच्छा, तो उसमें किसको ले रहे हैं? बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते भर में देता हूँ न्यूज, गुड न्यूज देता हूँ आपको। वेरी गुड, सुपर, हाँ। बहुत बढ़िया भाई जी। और भाई जी अपना क्या, कल क्या डाल दिया आपने? मैंने क्या डाल दिया कल? शिवाय का आपने क्यों ऐसा काम करते हो? कहाँ डाल दिया मैंने? अरे ट्विटर में डाला। कल तो नहीं मैंने कुछ किया, कल परसों डाला था ना कि अपना करण जौहर का कुछ लिखा, पहले लिखा उसके नीचे डाला शिवाय का कि हिम्मत वाला 2 है ऐसा कुछ। अच्छा हिम्मत वाला 2? क्या करते हो आप, अरे इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? अच्छा, वो तो 2-3 दिन पहले की बात है, कल का कहा है वो? नहीं मेरे को कल अपना, मैंने कल देखा तो मैंने देखा, मैं था नहीं ना कल, देखा मैंने। 2 दिन पहले की बात है। अरे क्यों अपना करण जौहर को इतना फेवर कर रहे हो? फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ करण जौहर की फिल्म के बारे में क्या बोला? करण जौहर की फिल्म के बारे में थोड़ा मैंने बोला। नहीं अब उसके ऊपर करण जौहर की फिल्म के लिए आपने लिखा ना, अच्छा लिखा, लेकिन आपको शिवाय को बिजनेस घुसेड़ने की जरूरत क्या है? घुसेड़ने की जरूरत क्या है शिवाय को? नहीं नहीं, शिवाय का अलग ट्वीट था कहीं और करण जौहर का अलग ट्वीट था, दोनों अलग अलग थे, एक साथ में तो था ही। हाँ एक साथ आगे पीछे था, ऊपर नीचे था।
एक साथ ट्वीट मैंने कभी, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, तो शिवाय के साथ अधम का तो ट्वीट कभी अरे मैंने। अभी यार अभी ऐसा तो मत करो ना, मतलब करण जोहर को आपने गोदी ले लिया क्या? करण जोहर भाई जी क्या करे, करण जोहर का थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना। क्या क्या अरे ऐसा मत करो ना यार, बता देखो आप अपने हो, मतलब अच्छी बात थोड़ी है। नहीं नहीं अच्छी बात तो कुछ नहीं है, बट उसका तो देखो, उसका तो मैं फेवर करूंगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका फेवर तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई जी। जो जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना, नहीं नहीं करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। सर 25 लाख 25 लाख दिए ठीक है, तो हमसे भी ले लेना, हम भी हम भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। हम तो अरे हम आपका तो हम बिना बिना पेट किए अफोर्ड कर दे, लेकिन आपका हीरो तो मतलब उसका क्या नाम है, मैं उसके बर्थडे पे शायद SMS भेजा था, उसका रिप्लाई तक नहीं करता भाई आपका हीरो तो। सर वो नहीं है, वो कहाँ करता, अरे बेचारे को, अरे वो आपको पता है नॉन सोशल आदमी है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो उसको कहाँ हमारी जरूरत है, वो तो खुद अपने आप चला लेगा अपनी फिल्म को। नहीं नहीं फिल्म तो चलेगी, लेकिन भाई जी अच्छी बात है ना, देखो क्या है कि आप देखो आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है। क्या आपकी क्रेडिट 25 लाख रुपए में अपना कौन सा ही हो जाएगा? नहीं नहीं तो हम तो जो आप बोलोगे कर देंगे भाई जी, कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये तो सिर्फ हुआ एक फिल्म, बाकी क्या और भी फिल्म में ऐसे किया जाता था? कोई अच्छा फिल्म को भी क्या ऐसे नेगेटिव प्रमोटर किया जाता था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, साथ में ये भी लिखिए कि इसके अगेंस्ट में हम लोगों को क्या करना चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।